आज हमने बिल्कुल हलवाई के जैसे जलेबी बनाई है, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। हमने रात को मैदा लगाकर उसको दही में घोल के रख दिया था और बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं वैसे ही बनाइए। देखिए इनके टूटने से आवाज आ रही है, देखिए देखिए ये बेहद कुरकुरी और बेहद खूबसूरत बनी है नाश्ते में। टेस्टी, खूबसूरत तो देखने में लगी है लेकिन खाने में ये बेहद टेस्टी लग रही है। आप बस इनको इसी तरह बनाइए। और इंस्टेंट जलेबी बनानी है तब भी आपको 2 घंटे पहले तो मैदा भिगोनी होगी खट्टी मैदा में, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि 1 रात पहले प्रिपरेशन करें और बिल्कुल ट्रेडिशनल जलेबी का आनंद लें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए हमने जितनी भी चीनी लेंगे उसका आधा पानी डालकर चाशनी बनने रख देंगे। और इसको हम चलाएंगे। हमें चाशनी बहुत गाढ़ी नहीं, केवल चिपचिपी होने तक बना पकानी है। जलेबी बनाने के लिए मैदा, हम जितनी मैदा हमें आवश्यकता अनुसार चाहिए उतनी मैदा आप ले लें। और मैदा को हमें 1 रात पहले या कम से कम 6 घंटे पहले हमको ताजे दही के साथ घोलना होगा। गर्मी है तो 6-7 घंटे काफी हैं और अगर सर्दी है तो 12 घंटे पहले घोलना होगा। यहाँ हमने मैदा ले ली है, मैदा को दही, हमको दही भी गाढ़ा चाहिए। हम जितने दही में हमारी मैदा घुल जाए उसको हम घोलेंगे और उसको ढककर रख देंगे। मैंने ये 6-7 घंटे पहले मैदा घोल के रखी थी वो ये रही। इसमें मैंने पानी मिक्स नहीं किया है, जितनी भी मैदा ली उसको मैंने दही के साथ घोल कर ही रखा है। देखिए जलेबी का ये जो घोल मैंने बनाया है मैदा का, इसमें गर्मी ज्यादा है ना तो 6 घंटे में देखिए फर्मेंटेशन हो गया है। इसमें हल्के हल्के झाग बुलबुले उठ रहे हैं, झाग नहीं उसको, ये जो बहुत थोड़ा सा, तो यहाँ फर्मेंटेशन अच्छा हो गया है। तो हम थोड़ी सी मैदा, फर्मेंटेशन बहुत अच्छा हो जाए तो वो क्या है, जलेबी फूली फूली बनती है, वो कुरकुरी नहीं बनती है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी प्लेन मैदा मिलाएंगे, ये जो सूखी मैदा होती है ना उसको मिलाएंगे ताकि हमारी जलेबी कुरकुरी और पतली पतली बने। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इस टाइम यहां पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने कम से कम जितनी हमारी मैदा थी, जैसे 1 कटोरी मैदा का मैंने घोल बना के रखा था दही के साथ, तो इसमें मैंने आधी कटोरी मैदा डाल दी है। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा सा रिबन जैसी कंसिस्टेंसी लेके आऊंगी। देखिए हमको इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, देखिए इस टाइप से। तब तक हमारी चाशनी बन चुकी है, हमने चाशनी रख दी थी बनने, चाशनी हमारी चिपचिपी होकर बनने लगी है। हाथों में जब हम ले रहे हैं तो ये चिपचिपा रही है, हमें तार नहीं लेना है, बस हमारी चाशनी तैयार है। अब इसको एक तरफ रख देते हैं। अब हम इस टाइप की बॉटल में जिसमें छेद है, ये सॉस की बॉटल होती है, इसमें ये पेस्ट को भर लेंगे जो हमारा घोल है। हम यहाँ पर घी को अच्छा गर्म करेंगे तभी हम जलेबी को इसमें शेप देंगे, वरना जलेबी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। हमारा घी हो चुका है और हमारी गैस भी तेज है, अब हम इसमें फटाफट से अपनी जलेबियां बनाते हैं। हम इसको उलट पलट कर सेक लेंगे। अब धीमी आंच कर देंगे, अब हमें इसको धीमी आंच पे सेकना होगा।
हमको जलेबी को ब्राउन होने तक सेकना होगा, तभी इसमें अच्छा कुरकुरा स्वाद आएगा। जलेबी को हमको इसी तरह के बर्तन में बनाना चाहिए, तो ये बेहद कम घी में बनती हैं। देखिए मैंने बिल्कुल बॉटम में ही घी ले रखा है बस, और हमारी जलेबी सिक रही है काफी अच्छे से। देखिए हमारी बिल्कुल कुरकुरी जलेबी तैयार है, बिल्कुल कुरकुरी। अब हम इसको चाशनी में डाल देते हैं। देखिए दबा रही है तो आवाज आ रही है। देखिए हमें इनको केवल 5 मिनट के लिए डुबोना होगा, बस उसके बाद बाहर निकाल लेंगे इसको हम। चलिए हम दूसरा घान तैयार कर लेते हैं तब तक। हलवाई लोग इसी पैटर्न पर जलेबी बनाते हैं, वो एक रात पहले ही जलेबी को भिगोकर दही में रखते हैं फिर बनाते हैं। हाँ हम इंस्टेंट जलेबी भी बना सकते हैं। जलेबी को हमें देर तक सेकना होता है, हाल के हाल से उतार लेते हैं तो जलेबी अंदर से कच्ची रह जाती है, इसको हमें ब्राउन होने तक सेकना होता है। सही जलेबी की पहचान ही यही है कि ये डालते वक्त फूल जाती है और फिर जब सिकने लगती है ना तो ये पिचक जाती है। देखिए देखिए हमारा बैच फिर से तैयार हो गया, कितनी बढ़िया ब्राउन जलेबी सिकी है हमारी। इसको भी हम चाशनी में डुबो देते हैं। देखिए हमारी जलेबियां कितनी कुरकुरी, कितनी खूबसूरत बनी है।